तोमर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार बातचीत और संशोधन के लिए पूरी तरीके से तैयार है, किसान यूनियन दस से मस होने को तैयार नहीं। बिल्कुल, तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं और भारत सरकार जो कानून बनाती है वो पूरे देश के लिए होता है, तो तीनों कृषि कानून से देश का बड़ा वर्ग सहमत है। तो बड़ा बयान आया है, उन्होंने कहा है कि संशोधन के लिए सरकार तैयार है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसानों को जिद छोड़नी चाहिए, 19 तारीख को किसान कानून वापसी के विकल्प पर चर्चा करें, ये कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से कहा गया। कि हम सकारात्मक रूप से बातचीत भी करेंगे, विचार भी करेंगे और आवश्यक होगा तो इसमें संशोधन भी करेंगे, लेकिन किसान यूनियन टस से मस होने को तैयार नहीं है। लगातार उनकी ये कोशिश है कि तीनों एक्ट को रिपील किया जाए। भारत सरकार जब कोई कानून बनाती है तो वह कानून पूरे देश के लिए होता है। ये तीनों कानून भी हैं, इन पर भी देश के अधिकांश किसान, विद्वान, वैज्ञानिक और कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोग इनसे सहमत हैं और इनके साथ खड़े हुए हैं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तीनों एक्ट के क्रियान्वयन को रोक दिया है, तो मैं समझता हूँ जिद का सवाल ही खत्म होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब क्रियान्वयन को रोक दिया है तो अब इन कानूनों का क्रियान्वयन तो हो नहीं रहा है। हमारी अपेक्षा है कि किसान 19 तारीख को क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें, वो रिपील के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं वो विकल्प सरकार के सामने प्रस्तुत करें, तो सरकार जरूर पूरी गंभीरता के साथ उनकी समस्या पर, उनकी आपत्ति पर विचार करने को खुले मन से तैयार है। सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है, संशोधन करने को तैयार है, लेकिन किसान टस से मस नहीं हो रहे, ये कहना है कृषि मंत्री का। लेकिन साथ ही आपको बता दे कि किसानों पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी बड़ा बयान दिया है, सरकार ने किसानों की भलाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, मोदी सरकार किसानों के लिए पूरी तरह से समर्पित है। बिल्कुल, अनुच्छेद 370 हटाने से कश्मीर हमेशा भारत का हुआ, तो अमित शाह का भी बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि किसानों की भलाई में कोई कसर नहीं छोड़ती है सरकार, किसानों के लिए मोदी जी हमेशा समर्पित रहते हैं। मोदी जी ने किसानों के लिए इतना किया है, मगर वक्र दृष्टा कांग्रेस पार्टी के नेता किसानों के हित की बात करे हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, जब आप थे तब किसानों को 6000 रुपया प्रति माह प्रति साल क्यों नहीं मिला भाई? जब आप थे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्यों नहीं बनी भाई? जब आप थे इथेनॉल की पॉलिसी में परिवर्तन क्यों नहीं आया? जब आप थे तब बजट क्यों इतना छोटा था? जब आप थे तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना क्यों नहीं लागू हुई? क्योंकि आपकी नियत ठीक नहीं। नरेंद्र मोदी सरकार सात अर्थ में किसानों को समर्पित सरकार है, और तीन नए जो अध्यादेश और कानून लेकर मोदी सरकार आई है, कर्नाटक सरकार ने भी ये कानूनों को पारित किया है। मैं श्री येदियुरप्पा जी को बधाई देना चाहता हूं कि इससे किसानों की आय अनेक गुना बढ़ने वाली है। अब कोई किसान मजबूर नहीं है कि एक ही जगह पे अपना उपज बेचे, अपने क्रॉप को वो ग्लोबल और पूरे भारतवर्ष के मार्केट में बेच सकता है। और दिल्ली से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, खालिस्तानी आतंकियों के पोस्टर्स लगाए गए हैं, दिल्ली पुलिस ने जगह जगह पोस्टर्स लगाए हैं। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर ये पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकियों की तस्वीर लगाई गई है। आपको बता दें कि दिल्ली के बॉर्डर पर सुरक्षा और बढ़ा दी गई है, दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर सुरक्षा और सख्त कर दी गई है। देश में फरार आतंकियों के भी पोस्टर लगाए गए हैं। किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर दिल्ली में इस वक्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, इन्हीं खालिस्तान आतंकियों के पोस्टर लगाए गए हैं दिल्ली के अलग अलग जगहों पर। ये देखिए किस तरीके से इन पोस्टर्स को चस्पा किया गया है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई है और हर चौक चौराहों पर इन आतंकियों के ये पोस्टर चस्पा किए गए हैं। जी हिंदुस्तान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं।
बिल्कुल गणतंत्र दिवस के मद्देनजर लगाए पोस्टर्स में खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकियों की तस्वीरें हैं। दिल्ली के बॉर्डर्स पर सुरक्षा और बढ़ा दी गई है, दिल्ली के बॉर्डर्स पर सुरक्षा को और भी सख्त कर दिया गया है। देश से फरार आतंकियों के भी पोस्टर्स लगाए गए हैं। किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर यह पूरी सुरक्षा बढ़ाई गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो घुसपैठियों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन, ये बड़ी कार्रवाई, उन तमाम लोगों के पोस्टर्स लगाए गए हैं जो कि लगातार देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, इस आंदोलन को खराब करने की पूरी मंशा रखते हैं। अब ये अलग अलग जगहों पर दिल्ली में पोस्टर्स लगाए गए हैं। तो दूसरी तरफ एनआईए की टीम भी अपने लेवल पर समन भेज रही है। 40 लोगों को अभी तक समन दिया जा चुका है जिनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और इसी को लेकर देखिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है और साथ ही उन खालिस्तानी आतंकियों के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं हर जगह। और लोगों से अपील की जा रही है कि अगर आप इनमें से किसी को देखते हैं, आपको अगर इनमें से किसी के बारे में जानकारी है तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। नंबर्स भी जारी किए गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, लेकिन फिलहाल उन तमाम पोस्टर्स की आप तस्वीर देख रहे हैं, उन खालिस्तानी आतंकियों के पोस्टर्स की तस्वीर देख रहे हैं जिन्हें दिल्ली के तमाम जगहों पर चस्पा किया गया है। बिल्कुल, थोड़े देर में सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक होने वाली है। किसान संयुक्त मोर्चा की मीटिंग कल सुप्रीम कोर्ट में, किसानों को दायर करना होगा हलफनामा। वहीं 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च पर किसान लेंगे अपना फाइनल फैसला। तो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है कुछ ही देर में, इस बैठक की शुरुआत होगी कल। जो सुप्रीम कोर्ट में किसानों की तरफ से हलफनामा दाखिल किया जा रहा है उसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी, क्योंकि 26 जनवरी को देखिए ट्रैक्टर मार्च निकाला जाना है किसानों की तरफ से और इस ट्रैक्टर मार्च को फाइनल फैसला क्या कुछ होना चाहिए इसको लेकर भी मंथन इस बैठक में होगा। कुछ ही देर में सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक शुरू होगी और इसके बाद एक और बैठक रखी गई है, यानी कि दो महत्वपूर्ण बैठक आज किसानों की है और इसी बैठक में मंथन विचार विमर्श किया जाएगा, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया जा रहा है इन किसानों की तरफ से। बिल्कुल, आज किसान आंदोलन का 53वां दिन है और लगातार किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून के अमल पर रोक लगा दी है, लेकिन वही 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च पर किसान क्या फैसला लेंगे ये भी अभी देखना बाकी है। तो दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर आज भी किसान डटे हुए हैं। हालांकि इससे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देखिए सरकार पूरी तरीके से खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को होल्ड भी कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद किसान टस से मस नहीं होना चाहते। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार किसानों की बैठक में उठ सकता है एनआईए का मुद्दा। एक और मुद्दा उठाने की कोशिश किसान नेता सरकार के सामने उठाएंगे, एनआईए समन का मुद्दा, क्योंकि एनआईए की तरफ से 40 लोगों को समन जारी किया गया है और जो बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है उस बैठक में एनआईए के समन को लेकर मुद्दा बनाया जा सकता है। इस पर चर्चा हो सकती है कि एनआईए की तरफ से जो समन जारी किए गए हैं उसको किस तरीके से हैंडल करना है, क्योंकि आज जो 4 किसान नेताओं को पेश होना था वो आज पेश नहीं हो रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि हमें सूचित नहीं किया गया था, देर रात हमें बताया गया था, ऐसे में हम 7 जनवरी से पहले पहले पेश नहीं हो सकते। यानी कि एक तरफ ना तो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, ना तो सरकार के कानून, जो बिल कृषि से जुड़े हुए कानून बिल जो सरकार लेकर आई है, ना तो उस पर विश्वास है और अब एनआईए की जांच को लेकर भी किसानों की तरफ से ये नाराजगी जताई गई है। बिल्कुल, आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि 19 तारीख को किसान और सरकार के बीच ये मीटिंग है। पहले 10 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन वो सारी जो बातचीत थी वो बेफल रही, कोई भी निष्कर्ष नहीं पहुंचा। इससे पहले किसानों ने सरकार के सामने 4 मुद्दे रखे थे, जिसमें से 2 बिंदुओं पर सरकार ने हामी भर दी है और 2 पहलू ऐसे हैं जिस पर अभी भी विचार विमर्श किया जा रहा है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां एनआईए के नोटिस पर बोले किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा, 7 फरवरी से पहले एनआईए के आगे पेश नहीं हो पाऊंगा, निजी कारणों का हवाला दिया है सिरसा साहब ने। बलदेव सिंह जो कि किसान नेता है, हालांकि इन्हें कहा गया था कि आज आपको पेश होना है, लेकिन पेश होने से पहले उन्होंने कहा कि मैं आज पेश नहीं हो पाऊंगा, 7 फरवरी से पहले पहले पेश नहीं हो पाऊंगा, निजी कारण का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि एनआईए लगातार दबाव बना रही है क्योंकि ये सरकारी एजेंसी है। और ये की कारण तुहानू की कारण लगता कि तुहाडे उपर हुण एनआईए दी दबस जिहड़ी हैगी आ, तुसीं जा रहे हो 17 तरीक नूं? देखो मैं 17 नूं मैं बेनती करां कि मेरी दोती दा विआह,
मैं उस समान की खरीदो फरोख्त कराने वास्ते आया, दो तीन दिन छुट्टी लैके आया उतों। मैं कल मीटिंग तुम्हें पता है कि मैं कल की मीटिंग नहीं गया, मैंने पहला तो नहीं ना पता भी नोटिस जारी हो रहा, कल ही होया ना 15 तरीकों होया कल। तो अज मैं रात 1:15 पता लगा, 12:30 मैं कल नहीं जा सकता, मैं अपनी दोती दे समान की विह के खरीदो फरोख्त करने वास्ते आया, मेरी बेटी है। पर एक गल सुन लो, सरकार अपनी हार मनन नूं तैयार, अखलाकी तौर पर हार हो चुकी है, क्योंकि पहला बड़े मनसूबे घड़े सरकार ने, बड़ी मीटिंग कीतियां, बहुत सानू पलूसन की कोशिश की, नहीं गल बनी, फिर वो सुप्रीम कोर्ट च भी गए, सुप्रीम कोर्ट के जाके उन्होंने जो अपने किसी बंदियां दे राही जिहड़ी सी वह कमेटी बनाने कामयाब हुई, वह कमेटी उन्होंने बंदियां दी बनी जिहड़े चारे आदमी कानून की वकालत करते हैं, तो उस तो बाद उन्हां विचों एक आदमी अस्तीफा दे दिंदा, उस अस्तीफा देने दे नाल सरकार की बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई। इत्थों तक सवाल उठे भई सरकार अपनी तो बदनामी होनी होनी सी, मिट्टी पीली कराई तो नाल सुप्रीम कोर्ट से भी उंगलां अटवा दित्तियां, क्योंकि वो जिहड़े चार मैंबर वो सी कि वो चारा मैंबर ने उहदी जिहड़ी वकालत कीती सी कानूनां दी, तो ये चार मैंबर ही क्यों सुप्रीम कोर्ट ने रखी, इस करके उत्ते भी उंगलां उठा दित्ती, इस करके बहुत बदनामी हो रही सी, उत्ते उन्हें कोई पेश नहीं गई, तो ये नोटिस सानूं जिहड़े ने इस करके चाहिए। बता दें थोड़ी देर में सिंघू पहुंचो पर किसान संगठनों की बैठक शुरू होने वाली है, किसान संयुक्त मोर्चा की मीटिंग, हालांकि इस मीटिंग में कल जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया जाना है उसको लेकर चर्चा होगी, साथ ही 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च पर किसान फाइनल फैसला भी इस बैठक में करेंगे। हितेन हमारे साथ मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। हितेन, क्या कुछ अपडेट इस बैठक को लेकर, बैठक शुरू हो चुकी है क्या, मुझे मत दिखा देना। बिल्कुल, देखिए पंजाब के जत्थेबंदियों की बैठक जो है वो अभी चल रही है सिंघू बॉर्डर पर, 32 जत्थेबंदियां पंजाब के, वो ही सब कुछ तय करते हैं सिंघू बॉर्डर पर, उसके बाद उनका जो फैसला होता है वो संयुक्त किसान मोर्चा के सामने रखा जाता है और एक हामी जो है भरी जाती है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि नज़र इसी मुद्दे पर है कि ये 32 पंजाब के जो नेता है वो क्या तय करते, क्या वो 26 जनवरी को लेकर ट्रैक्टर मार्च निकालने की रणनीति बनाते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देना है तो उस हिसाब से लिखित में वो मना कर दे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जो तैयारियां चल रही है उनकी, वो दिखा रहा है कहीं ना कहीं उनका रुख साफ साफ दिखा रहा है कि वो 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च को निकालेंगे। हालांकि अभी सवाल ये भी बना हुआ है कि क्या ये लोग सुप्रीम कोर्ट में लिखित में जवाब देंगे नहीं देंगे, क्योंकि देखिए पहली हियरिंग में तो जो है इनके वकील, चार वकील दिखे थे, दुष्यंत दवे के साथ अन्य तीन वकील भी जो है वो दिखे थे, लेकिन दूसरे दिन जब सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना था उस दिन वो चार वकील कोर्ट रूम के अंदर मौजूद नहीं थे। इसलिए सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जवाब देंगे नहीं देंगे, नहीं देते तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक रोक लगा देगी और दिल्ली पुलिस को आज़ादी से अपनी कार्रवाई करने के लिए आदेश भी दे सकती है। हालांकि पहले भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि दिल्ली में किसको आने देना है नहीं आने देना है, ये दिल्ली पुलिस जो है अपने हिसाब से तय कर सकती है, दिल्ली पुलिस को आज़ादी है। तैयारियां बहुत कुछ बता रहा है, ट्रैक्टरों पर टैंक बने हुए, ट्रैक्टर ऊपर ट्रैक्टर पे क्रेन बनी हुई है, पूरी तैयारी। देखिए प्रत्यूष और हर्षा भी जेवर से जुड़े, लेकिन कुछ लोगों से पहले बात कर लेते हैं। ये बताइए जो ट्रैक्टर रैली की बात चल रही है, आपको क्या लगता है, निकलनी चाहिए नहीं निकलनी चाहिए? देखो ये बिल्कुल भी नहीं निकलनी चाहिए और ना सरकार को ऐसा करने देना चाहिए। देखो ये डेमोक्रेसी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप राजपथ पे चले जाओगे, मोदी जी को गालियां दोगे, ये नहीं होता डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी है अपनी बात रखो, तरीके से रखो, सही जगह रखो और उसे हिंसावर्दी ना किया जाए, गलत मांगे ना की जाए, खालिस्तान का झंडा है ये है ये ना किया जाए, बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए। जांच से भी भागते नजर आ रहे किसान नेता, क्यों जांच से क्यों भाग रहे, अगर सच्चे साफ है पाक है तो? उन्हें जांच से नहीं भागना चाहिए था, जो कानून मोदी जी ने बनाए हैं या हमारी संसद ने पेश करके बनाए हैं वो उन कानूनों पर अपने अडिग रहें, या जो MSP भी लिखित में देने के लिए तैयार है हमारी सरकार उसको वो माने, अब वो मुद्दा वहीन हो गए हैं, मुद्दाहीन हो गया है। हाँ देखिए बिल्कुल, देखिए आपने सुना साफ तौर पर क्या कहना है किसानों का, फरीदाबाद में है हम और किसान साफ कह रहे हैं कि जांच से भागना नहीं चाहिए सच्चे है तो, और जो मुद्दे के साथ ये आंदोलन आगे बढ़ा था अब वो मुद्दाहीन आंदोलन जो हो चुका है ये कहना। प्रत्युष और हर्षा जेवर से जुड़े, उनका भी रुख करते। प्रत्युष हर्षा, आपने सुना होगा कि किसान क्या कह रहे हैं।
जी बिल्कुल, देखिए इतने हमने सुना फरीदाबाद का किसान क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जांच से भागना नहीं चाहिए उन किसानों को प्रत्युष जो कि आंदोलन में बैठा है। लेकिन देखिए कल बेहद इंपॉर्टेंट दिन है, प्रत्युष क्योंकि हलफनामा दाखिल करेंगे जितने भी किसान है, और जो अभी संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक है, पंजाबी जत्थेबंदियों की जो बैठक है, वो हर लिहाज में अहम है। सुबह शालिनी हमको यही बता रही थी कि आखिरकार किसान हर बैठक में रणनीति तो डिसाइड करते हैं, लेकिन मामला सुलझेगा कैसे, सहमति कैसे बनेगी, बीच का रास्ता कैसे इख्तियार किया जाएगा, इस पर कभी किसान नहीं पहुंच पाते हैं। 26 जनवरी को लेकर के भी प्रत्युष क्या लगता है, जो अब रणनीति डिसाइड होगी, स्ट्रैटेजी डिसाइड होगी, क्योंकि पहले ट्रैक्टर मॉडिफाई कराए गए, फिर कहा गया राजपथ नहीं किसी और जगह पर मंथन करेंगे हम ट्रैक्टर रैली निकालने का, यानी कि मोटिव यही है कि ट्रैक्टर रैली तो हमको निकालनी है, दिल्ली की अर्थव्यवस्था को, दिल्ली की जनता को परेशान तो हमको करना ही है, दबाव तो हमको बनाना ही है, भले राजपथ ना करके हम किसी और जगह पर करें। देखिए अब चूंकि उनको भी पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन कहा था, क्योंकि देखिए आपको याद होगा कि दुष्यंत दवे से जब ये कहा गया था, उन्होंने कहा था कि देखिए क्या आप इसको रद्द कर सकते हैं, टाल सकते हैं, उन्होंने कहा कि हाँ, तो उसी वक्त हरीश सालवे ने कहा था कि इनसे लिखित में हलफनामा ले लीजिए कि ये ट्रैक्टर मार्च नहीं निकालेंगे। उसके बाद से डेवलपमेंट देखिए, किसान संगठन अड़े रहे, और आज सुबह जो जी हिंदुस्तान ने खबर दिखाई, क्या विचार इस पर भी हो रहा है कि राजपथ की बजाय कहीं और जगह, लेकिन हम ट्रैक्टर मार्च ट्रैक्टर रैली हम निकालेंगे। लेकिन कल जो अहम सुनवाई है जिसमें ये होना है कि सरकार और दिल्ली पुलिस की तरफ से जो अर्जी डाली गई है कि भाई गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे अपना एक प्रोटोकॉल है, उस दिन ट्रैक्टर रैली ना हो, ट्रैक्टर मार्च ना हो, इसका ख्याल रखा जाए। और ये तब है जब ऐसे इनपुट्स की बात सरकार ने खुद वहां पर की, आईबी से जो इनपुट्स मिले हैं कि वहां पर कुछ ऐसे वहां पर अराजक लोग और वहां पर ऐसे प्रतिबंधित संगठन है जिससे स्थिति बिगड़ सकती है। और मुझे लगता है इन सारी बातों को संज्ञान में लेने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट कल इस मसले पर कोई आदेश दे सकता है, इसलिए उससे पहले किसान संगठन ये विचार कर रहे हैं कि राजपथ नहीं तो कहीं और सही, लेकिन हम उस दिन अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे, ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। लेकिन प्रत्युष उतना ही नुकसान, उतनी ही परेशानी किसी और जगह भी अगर होता है, हाँ, उससे भी होगा, क्योंकि अगर किसी और जगह भी इतनी भारी संख्या में ट्रैक्टर पहुंचेंगे तो क्या वहां सामाजिक तत्व नहीं पहुंचेंगे, क्या वहां परेशानी और मुश्किलें नहीं हो सकती है, वो सिचुएशन राजपथ पर भी होगी जितनी कहीं और हो सकती है। लेकिन किसान अपनी ढीठ पर अड़े हैं, हठी पने पर अड़े हैं, शायद इसीलिए ट्रैक्टर भी मॉडिफाई कराया गया है, क्योंकि जो सिचुएशन हमने टिकरी और सिंगू में शुरुआती दिनों में देखी थी जब झड़प हुई थी पुलिस के साथ, तो अपनी तैयारी पूरी तरह से फुल फ्लैश तरीके से किसान करके चल रहे हैं। शालिनी और हितेन हमारे फरीदाबाद से मौजूद है। शालिनी, हमने वो सिचुएशन देखी है, हमने वो तस्वीरें देखी है सिंगू और टिकरी की, और शायद यही कारण है कि किसान इस बार कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना चाहते, अपनी तैयारी पुख्ता रखना चाहते, चाहे वो जगह राजपथ हो या फिर कोई और हो। ओवर टू यू शालिनी हितेन। बिल्कुल हर्षा, तैयारी वो चाहे कितनी भी पुख्ता रखें, अच्छे काम में उनका साथ हर कोई देगा, लेकिन अगर आंदोलन की शक्ल को बिगाड़ करके अपनी बातों को मनवाने की कोशिश होगी तो फिर मुझे लगता है कोई भी उनका साथ नहीं देगा, कोई भी वर्ग उनका साथ नहीं देगा। यही इंटेलिजेंस जो हमारी है वो जब आतंकियों की किसी खबर की पुष्टि करती है, आतंकियों को मारती है, तो ये इंटेलिजेंस इनके लिए अच्छी हो जाती है। और यही इंटेलिजेंस जब ये इनपुट देती है कि खालिस्तानी समर्थित लोग बैठे हुए हैं आंदोलन के अंदर, तो ये बात इन्हें नागवार गुजरती है। यही सुप्रीम कोर्ट जब सरकार को लताड़ता है तो ये वाहवाही करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की पीठ थपथपाते हैं और ये कहते हैं कि देखो आखिर सरकार को फटकार लगी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। फिर यही सुप्रीम कोर्ट जब एक कमेटी का गठन कर देता है तो ये लोग अपने पांव ये कह करके पीछे खींच लेते हैं कि कमेटी का गठन जो किया गया है उसमें तो सरकार के लोग हैं। दो तरफा बात हमेशा से ही किसान संगठनों की ओर से और किसान नेताओं की तरफ से सामने आती रही है और वो अब भी दिखाई दे रही है। जैसा अभी प्रत्युष ने कहा कि अब ये लोग सोच रहे हैं कि 26 जनवरी की परेड चलो राजपथ पर ना निकल पाए हितेन, लेकिन ना किसी दूसरी जगह ही निकाल लें, जो बात कह दी है बस वो पीछे हम नहीं हटेंगे। वो दिन दिल्ली के लिए और देश के लिए बहुत बड़ा होता है और सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि दिल्ली पुलिस को आजादी दी है कि दिल्ली पुलिस तय करे 26 जनवरी के दिन किसको दिल्ली में आने देना है किसको नहीं आने देना है, तो वो दिल्ली पुलिस तय करेगी। और हालांकि इन्हें दिल्ली पुलिस के पास ऑफिशियली एक परमिशन लेनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आपने रामलीला के लिए भी कोई परमिशन मांगी थी, जंतर मंतर के लिए कोई परमिशन मांगी थी, नहीं मांगी थी, तो कैसे आने देंगे दिल्ली में, वो दिल्ली पुलिस स्वतंत्र है। और ऐसे ही 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च के लिए भी अगर इन्हें कहीं और भी जाना है दिल्ली में तो परमिशन लेनी पड़ेगी, दिल्ली पुलिस तय करेगी, उसके बाद ही इन्हें आने दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोग किसानों से ही बात कर लेते हैं कि जो तैयारियां हो रही है ट्रैक्टर मार्च की, वो आप लोगों ने देखी?
देखिए ये सब विपक्ष की जो है ना देश को बदनाम करने की साजिश है और कुछ नहीं, नहीं। आपको आपको जाने का मन नहीं हो रहा है? नहीं, क्यों जाएं हम, ये बताओ 26 जनवरी हमारे देश का पर्व है, इतना अच्छा पर्व है। और यही यही चीज ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से विपक्ष इनको बरगलाने की कोशिश कर रहा है। इतने आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें कि एनआईए की कार्रवाई पर बौखलाए किसान नेता हन्नान मौला। सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, किसानों की मदद करने वालों पर एनआईए की कार्रवाई है, ये हन्नान की तरफ से कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों की मदद करने वालों पर एनआईए की कार्रवाई है। क्या कुछ कहा है हन्नान मौला ने, सुनिए। जो लोग थोड़ा बहुत आंदोलन को मदद किया है उसको बस जो मुकदमा लगा के एनआईए, केंद्र सरकार के एनआईए मुकदमा लगा के उसको डराने का कोशिश कर रहा है, ये संपूर्ण जनतंत्र विरोधी है। ये सरकार तो ये साजिश कर रहा है, सरकार तो बदले के भावना में काम कर रहा है। जनवादी सरकार को भी ऐसा देखा हमारे देश में कि जन आंदोलन के थोड़ा मदद किया इसलिए उसको देशद्रोही करार दिया जाएगा। जो लोग थोड़ा बहुत आंदोलन को मदद, प्रत्युष हमारे साथ बड़े बने हुए हैं। प्रत्युष, ये आंदोलन जिसकी आड़ में किस तरीके से वहां पर साजिश का खेल चल रहा है ये सब देख रहे हैं, लेकिन क्या वाकई इसे जन आंदोलन कहा जा सकता है? देखिए, जो हन्नान मौला बात कह रहे हैं ना कि इसको सरकार इसे दबाने की कोशिश कर रही है, ये साजिश रची जा रही है, जो जन आंदोलन को समर्थन देने आ रहा है उसको भी आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो एक वक्त ये कहते थे कि अगर यहाँ पर ऐसे कोई तत्व है तो जांच एजेंसियां स्वतंत्र है, पुलिस स्वतंत्र है, सरकार स्वतंत्र है इस पर फैसला लेने के लिए, जांच कराने के लिए। अब जब जांच की शुरुआत ही हो रही है, ये भी नहीं कहा जा सकता है कि जांच अभी फुल फ्लेश शुरू हो गई है, उनको बुलाया जा रहा है कि आप आइए, आपसे कुछ इंक्वायरी, आपसे कुछ पूछताछ होनी है, तब इनमें भी इनको प्रॉब्लम है। मतलब इनको सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में भी नहीं जाना है और बातचीत को टेबल पर आगे भी नहीं बढ़ाना, और अब जांच एजेंसी जब इसकी जांच कर रही है तो भी इनको दिक्कत है। यहाँ पर कुछ किसान भाई इन्हीं से पूछ लेते हैं। अच्छा ये बताइए, जब इस पर एनआईए जांच करने के लिए बलदेव सिंह सिरसा को, किसान नेता को बुला रही है, अब कहा जा रहा है कि सरकार आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है। जाना चाहिए इन्हें और गवर्नमेंट के साथ इन्हें फॉलो करना चाहिए, बात सुननी चाहिए उनकी। ये लोग बात मानते नहीं हैं। गवर्नमेंट आप बार बार कह रही है कि हम लोग जो भी प्रॉब्लम है उसे बताएं तो सही, अब ये लोग नहीं तो बता रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है आखिर। ये गलत रवैया है इन लोगों का, ऐसे नहीं घेरना चाहिए किसी। लेकिन सुन लेते हैं क्या कुछ कहना है उनका। सभी जो साथी अलग अलग मूवमेंट चलाते हैं उनका बैनर अलग होगा, उनका झंडा अलग होगा, लेकिन उनकी विचारधारा एक है। गांव की विचारधारा है, गरीब की विचारधारा है, किसान की विचारधारा है। उन सभी साथियों का धन्यवाद है, नमस्कार है, जय महाराष्ट्र। और यहाँ पे दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं, अभी चार दिन पहले बॉम्बे में थी, फिर यहाँ पे है। और मुद्दा एक है कि इस मुद्दे से जो हमारे इंटीरियर के जो गांव के लोग हैं जिनको कभी लाभ नहीं मिल पाया वो भी इस आंदोलन से जुड़े हैं। ये एक वैचारिक क्रांति है और जो वैचारिक क्रांति दिल्ली में शुरू हुई ये एक विचार से उत्पन्न क्रांति है। ये क्रांति कभी फैल नहीं होगी। जिस तरह से गांव के लोग उससे जुड़े हुए हैं पूर्ण रूप से, अपनी बात हमको कह रहे हैं, फोन के माध्यम से बता रहे हैं। और एक भी किसान का ये मसला नहीं है कि हम इस आंदोलन से समझौता या सिलसिलेवार बात करके हम वापसी आए। उनका एक इश्यू है कि तीन बिल जो है ये बिल वापसी हो इनके साथ। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि भोपाल कोलकाता से सूरत जा रही फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। राजा भोज एयरपोर्ट पर ये फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। बिल्कुल, इमरजेंसी लैंडिंग इंडिगो एयर की कोलकाता सूरत फ्लाइट की हुई है। इमरजेंसी लैंडिंग पायलट को फ्लाइट में तकनीकी खराबी के कारण करनी पड़ी, तो भोपाल एयरपोर्ट पास होने के कारण फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। इमरजेंसी लैंडिंग भोपाल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात कर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। और इसी के साथ फिलहाल कुछ देर के लिए रुकना होगा, फौरन हाजिर होते हैं, आप बने रहिए जी हिंदुस्तान पर। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान की लाइव टीवी पे कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।